कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर हमला कर दिया। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग कर दी। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। घायल प्रॉपर्टी डीलर आसिफ खान को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। वहीं परिजनों ने दो बदमाशों पर फिरौती मांगने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि कुछ समय से बदमाश फिरौती के लिए धमका रहे थे। फिर जब इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको, तो फिर अभी हम उसकी रिपोर्ट करवा के आ रहे थे थाने से। जैसे हम हमारे घर के बाहर उतरे, हमारे पास रहने वाले भी शादी दे रहा थे। तो कितनी फिरौती मांग रहा था? 10 लाख रुपए मांग रहे थे करी थी पुलिस, लेकिन कल उन्होंने कुछ करा ही नहीं। फिर आज भी बुलाया, उन्होंने आज बुलाया, वहाँ से आए तो ये हुआ। फिर क्या हुआ? दरअसल गुरुवार को भी बदमाश प्रेशर लेकर आए थे, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आपको बता दें, कार से वापस लौटते समय अधरशिला के पास बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित आसिफ कार से नीचे उतरा ही था कि एक बदमाश ने फायर कर दिया। वहीं फायर से आसिफ के पेट में गोली लगी है। पंजाब केसरी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।